जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अमिता जी, वो लड़की गवाही ना देकर गलत कर रही है, लेकिन जो आप कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है। तुझे क्या पड़ी है, न देखा न भाला, न तू वहां थी, और फिर ऐसे केस में गवाही देगी वो भी झूठी। पता है कोर्ट में क्या क्या पूछते हैं, और ऐसे केस में जिसमें सामने के वकील आपके पिता हैं। इसीलिए गवाही दे रही हूँ क्योंकि वो खड़े हैं और शिल्पा गवाही नहीं दे रही। अगर मैं भी गवाही नहीं दूंगी केस डिसमिस हो जाएगा। हो जाने दे, अपना और घर वालों का नाम क्यों बदनाम करती है, पिताजी से तकरार क्यों मोल लेती है, इस बार मेरी बात मान जा। मैं गवाही दूंगी, तेरी और जीजा जी की बदनामी होती है फिर भी दूंगी। छोड़ना है छोड़ दे। मैं छोड़ूंगी तुझे, मैं और ये इसलिए आए हैं कि बदनामी होगी, लोग मुझे और इन्हें क्या कहेंगे। हमने दुपट्टे इसलिए बदले थे कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मैं तेरे साथ खड़ी न रहूं। लिया दुपट्टा, वापस कर दे, अगर मेरा नाम तेरा और तेरा नाम मेरा नहीं रहा। कह दे, वापस कर दे। अमिता जी, हम इनके कहने पर यहां आए, लेकिन आए अपनी मर्जी से। आप हमारी साली हैं, हम आपके जीजा, ये रिश्ता आप ही ने तय किया है, इसलिए हमारा हक बनता है आपसे ये सब कहने का, आपको समझाने का। किस बात से डरते हैं, अदालत में गंदी बात करने पर बदनामी होगी, झूठ बोलने पर मुझ पर मुकदमा चल सकता है। सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आप और शमा क्या करते अगर जो हुआ वो मेरे साथ होता। मेरे लिए कोई गवाही नहीं देता। तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी आंखों में नहीं आते, बस इतना फर्क है। मेरे आंसू यहाँ हैं, बाहर नहीं निकलते लेकिन खोलते हैं, और जब खोलते हैं तो कुछ नजर नहीं आता, ना अपना नफा ना औरों का नुकसान। इसीलिए गवाही दे रही हूं, जिस लड़की के साथ रेप हुआ वो मेरे पास आई थी, वो रोई थी, मैं नहीं रोई, लेकिन मेरा रोना यहां है। क्या करूं इसका, रिलीज तो करना है ना, कैसे। शमा, शमा बिटिया, चाय पी के जाना, मैं अभी भिजवाती हूँ। जी आंटी जी। रामू, जल्दी से चाय लेके जाओ, जल्दी करो ना। सर हैं, मुझे कुछ पूछना था। थैंक यू। उनसे कह दिया ना,
क्या कुछ देर लगेगी? बिजी है तो मैं फिर आ जाऊंगा। बात क्या है, बोल क्यों नहीं रही? कोई अंदर है? बिजी है किसी के साथ? कह दीजिए मैं आया था, फिर से आ जाऊंगा। आप खुद ही उठा लो। परेशानी हुई ना मेरे ना बोलने से? मुझे भी हुई थी जब आप मुझे ड्राइव करके ला रहे थे और कुछ बोले नहीं थे। सबा, तुमसे बात करना मतलब अपने आप को ऐसी मुश्किल में डालना है जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, बोलूं कि चुप रहूं? सबा, सिर्फ इतना बता दो वो घर में है या नहीं। मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि वो घर पर नहीं है तो क्या करेंगे, चले जाएंगे? फिर क्या करूं? बात है, अम्मी अबू इतवार को मुझे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बातें करते हैं। अब कहो पढ़ाई कैसे चल रही है? अब तो दिमाग ब्लैंक हो गया है। जैसे ही कोई किताब खोलता हूं ऐसा लगता है इसने मेरी सूरत नहीं देखी और मैंने इसकी सूरत नहीं देखी। और इम्तिहान का गठर जो सर पर है वो तो माउंट एवरेस्ट है। तुम अपनी कहो। आज के सब्जेक्ट फोटोग्राफिक मेमोरी, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। तो अपनी ये फोटोग्राफिक मेमोरी मुझे भी दे दो, मेरा भी काम चल जाएगा। कमाल है, मैं तो सोच रही थी कि आपकी मेमोरी ले लूं ताकि जब मेरी मेमोरी फेड हो जाए तो आपकी मेमोरी से काम चल जाए। कार के स्टेपनी की तरह जो उस वक्त काम आती है जब अपना टायर फटाक और तुम जानती हो मेरी मेमोरी लेकर क्या हो जाएगा? हाँ, जिसे एक बार देखूंगी वो हमेशा याद रहेगा, जिसकी चप्पल एक बार गड़वाऊंगी वो चिपक कर ख्वाबों में ढल जाएगा और कनपट्टी के पास मालिश करने भी आएगा। पॉलिश भी कराएगा अपनी जूतों पर जैसे 10 साल की उम्र में किए थे। हाय अल्लाह, आप बड़े मीन हैं। कहीं जा रहे? जी हाँ, वो काजी साहब आए हुए हैं। काजी साहब क्यों? दूसरी बार तलाक का झंझट खत्म करें, बहुत वक्त ले लिया इसने। चाय तो पीते जाइए। अभी लौट के पीते हैं। सलाम अलैकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें। जी हाँ, आप कहीं बाहर तशरीफ ले गए थे? जी हाँ, इन्हें खबर करके गया था। हाँ, इन्होंने बताया था, शाहिद अभी को खबर करवा दें। जी हाँ, मैं आया इसीलिए हूँ। नफीसा, हुक्म हुजूर। उन्हें खबर करवा दीजिए कि हम और काजी साहब आ रहे हैं, तैयार रहें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।